जी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, हो रहा है सुपर मेरी किचन काफ़ी मैसी क्योंकि कुकिंग चल रही है। तो मैं सोचा कि शादी वाले घर में काफ़ी सारे मेहमान आए हुए हैं फूफड़ों के, तो मैं दो चार खाने बनाकर उनको भेज दूँ ताकि उन्हें थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि वो अकेले हैं। तो शलजम और चिकन मैंने बना के रख लिया है, आलू गोभी भी बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे ये दाल बॉयल की, मूंग और मसूर की दाल है ये बॉयल होने के लिए रखी हुई है। साथ में बना रही हूँ मैं चिकन पुलाव, उसके सामान भी सारा तकरीबन तैयार है जनाब। तो साथ साथ काम होता जाएगा, साथ साथ आपसे मुलाकात भी हो रही है। तो अब क्योंकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, अगर दिन में आपके साथ ना बात हो तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो जनाब मैं साथ साथ खाना बनाऊंगी, साथ साथ आपसे बातचीत चलती रहेगी, आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी। ये मैंने तकरीबन मैं 5 से 6 कप चावल बना रही हूँ, इसमें तकरीबन मैंने 4 जो बड़े हैं हांडी पकाने वाले स्पून होते हैं उसमें ऑयल ले लिए हैं। इसी तरह इसमें मैं शामिल कर दूँगी जी, ये देखिए ये 2 छोटी इलायचियाँ हैं ये शामिल कर रही हूँ, ये 2 छोटी इलायची चली गई, ये 2 अदद बड़ी इलायची चली गई, ये तकरीबन 10 से 12 काली मिर्चें ये चली गई जनाब। साथ में खुश धनिए के कुछ दाने थे और दालचीनी का एक स्टिक चली गई, और जनाब इसमें शामिल कर देंगे हम 2 फूल बादियान के, जिनको आप लोग स्टार इलायची भी कहते हैं और मैं इसे कहती हूँ बादियान हताई, जो है इसका प्रॉपर नेम। मसाले मैंने डाल दिए हैं। अच्छा जी, जब तक वो होंगे इसको रखते हैं ड्रॉ में। दाल हमारी बॉयल हो रही है, बस इसमें थोड़ी सी कसर है अभी। इसमें जो मसूर की दाल थी वो तो अच्छे से गल चुकी है, लेकिन जो है मूंग की दाल वो थोड़ी सी सख्त है। आजकल दालें भी बड़ी अजीब गरीब से आ रही हैं। ये देखिए एक साइड पे तो मैंने अपनी दाल का सामान जो प्याज है वो फाइन चॉप किया हुआ है, और टमाटर है, हरी मिर्चें हैं। इस साइड पे जो प्याज है वो मैंने अपने पुलाव के लिए है, और हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और चिकन है। चलिए जी मैं इसको बनाती हूँ फटाफट से। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो है हमारा प्याज, ये तकरीबन 2 बड़े प्याज थे जो मैंने काट के रखे हुए थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा हो गया गर्म, साथ साथ ही चेक करते हैं कि दाल हमारी गली है कि नहीं, तो चेक करने के लिए हम अलग से स्पून निकाल लेते हैं जनाब। अच्छे से मैश कर लेंगे, दाल हमारी गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि स्टोव में से इसको उतार लेंगे नीचे, दूसरा बर्तन दाल का तड़का बना लेंगे। जी जनाब दाल के लिए भी मैंने प्याज डाल दिए तड़के में, इसी के साथ पुलाव का प्याज भी हो रहा है ब्राउन। जब हो जाएगा ये अच्छे से ब्राउन, फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन। मुझे चावलों का ज़रा हल्का रंग पसंद है, अगर आपको तेज पसंद है तो आप ज़्यादा चावल प्याज ब्राउन कर सकते हैं। इसके बाद सारा कोर्स हम इसमें कर देंगे।
इसी के साथ दूसरी साइड पे हमारी दाल के प्याज हैं वो भी ब्राउन हो रहे हैं। तो प्याज हो गया ब्राउन, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया हमने और साथ चले जाएंगे दो डजन टमाटर और हरी मिर्च। लालू के मतलब रेसिपीज में आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, दाल आपकी बहुत बहुत अच्छी दाल बनी। इसी बनाई करके मसाले डाल के हम दाल शामिल कर देंगे उसके बंदे को। इसी साथ में हमारा चिकन ब्राउन हो रहा है, इसको हल्के से ब्राउन करके लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के दम दे देंगे। टर्की की भुनाई के बाद जनाब इसमें दाल हो गई है शामिल। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के गर्म मसाला डाल के 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। जी दाल हो चुकी है तैयार, ये है मेरी दाल की फाइनल लुक। अब ये मैंने मेरी एक हांडी ले ली है, अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी ताकि आराम से ये ले जाने में आसानी हो। जैसे जो पैकिंग मटेरियल वाले टिफिन मेरे ना किचन में ख़त्म हुए हैं, वो अब इंशाल्लाह ताला जिस दिन भी मैं मीरपुर जाऊंगी यानी कि अपने सिटी में जाऊंगी तो लेके आऊंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सॉरी। सारी सारी दाल हम मुंतकिल कर देंगे अब इस बर्तन। माशा से चिकन हमारा हो चुका है अच्छे से फ्राई, देखने इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है। और अब इसमें मेरे पास 5 कप चावल थे, अब इसमें मैं 8 कप पानी का शामिल कर दूँ। मैंने इसको पहले मैयर करके रखा हुआ था। और आप कोशिश करें कोई भी हांडी बनाएं चावल बनाएं उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे आपके चावल या सालन जो भी आप बनाएंगे वो बहुत अच्छा बनेगा। अब इसको आता है जब बॉयल, उसमें शामिल कर देंगे चावल और दम दे देंगे। जनाब चावल का दम हो चुका, दम खोल के देखते हैं। जी स्टॉप करते हैं बंद, चावलों की शक्ल तो माशा से बहुत अच्छी है, सही खिले खिले चावल हैं माशाल्लाह से। आप जिस तरह से कि एक बर्तन में दाल में निकाली थी इसी तरह दूसरा बर्तन में निकाले हुए हांडी, अब इसमें चावल डालते हैं और उनके घर पहुंचाते हैं। अच्छा जी ये है गोभी, आलू गोभी का सालन, ये है चिकन और शलजम, चावल और दाल, अब हम इसको लेकर जा रहे हैं। हेलो अदाया, सारी चीज़ें आ गई गाड़ी में। चलिए गाड़ी बाहर निकलती है गेट बंद करके, मैं भी बैठ जाऊँ। रास्ते में मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी। गेट करते हैं बंद।